दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बाकी सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि सऊदी अरब में आने से पहले क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो आज हम आप लोग को बताएंगे। और ऐसे तो हम देख ही रहे हैं जो जंगल में पड़े हुए हैं, और भी वीडियो में देख सकते हैं क्या काम है क्या कैसे हैं। लेकिन आप अगर पहली बार सऊदी अरब में आ रहे हैं और कोई भी काम में आ रहे हैं, यानी बकरी हो, ऊँट हो, या फिर मजरा के लाइन में, या फिर ड्राइवरी हो, ड्राइवरी कोई भी काम में आ रहे हैं पहली बार, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वही आप लोग से हम बताएंगे। और कैसे आएं ताकि भैया ज़्यादा परेशानी न होए, क्योंकि भैया पहली बार सऊदी अरब में आने के बाद, जो कि आप जानते हैं कि अपने देश का भाषा अलग होता है और इधर देश का भाषा अलग होता है, तो अपने इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या फिर नेपाल से कोई भी आते हैं तो इधर आने के बाद भाषा चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद एकदम समझ सकते हैं कि भैया एकदम सेम लड़का का रूप धारण कर लेना पड़ता है कुछ महीना और कुछ साल तक के लिए। तो एयरपोर्ट पे क्या क्या परेशानी होती है, और एयरपोर्ट से कपिल के घर तक, यानी जो बुला रहा है उसको कैसे हम जानेंगे, कैसे हम पाएंगे, वो सब हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दोस्तों दबा लें और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहें। ऐसे तो हम एक जंगल में बैठे हुए हैं, जो कि जंगल में एक रूम मिला है खाली, बैक कैमरा से आप लोग को ये भी दिखा देंगे, और यहीं पे मैं सोचा एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ऐसा है कि आ जाइए बैक कैमरा से, पहले ये रूमों में दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक बहुत पुराना मजरा पहले का है, पहले ज़माने का, और इधर ये सब जंगल है, और इधर ही बकरी लेके आए हैं, तो बकरी गई है उधर, बहुत ज़्यादा धूप है इसके लिए हम इधर बैठ गए हैं। जो कि भैया ये रूम दिखाई दे रहा होगा, और ये रूम खाली पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ भी है नहीं इसमें, और एक रूम उधर भी है इसी में, तो यहीं पे बैठे हैं और बैठ के वीडियो बनाने लगे दोस्तों। अब बाकी इधर सब जंगल है, आप लोग को दिखाई देगा, तो आ जाइए हम बताते हैं आप लोग को। सऊदी अरब में पहली बार आ रहे हैं तो कैसे आए कि कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना होए, और कुछ चीज़ ऐसा है भैया कि उसको सही सलामत करके आना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद इंडिया का मोबाइलिया तक जवाब देने लगती है। कुछ मोबाइल ऐसी, सभी नहीं लेकिन कुछ मोबाइल यहाँ के टेम्परेचर में आके गड़बड़ा जाती है, तो आ जाइए हम बताते हैं आप लोग को। तो दोस्तों ऐसा है कि अपने देश से, इंडिया से चलते समय क्या करें कि सबसे पहला काम यह करें कि भैया जितना खास नंबर है उसे एक डायरी पे, एक कागज़ पे लिख लें, और लिखने के बाद उसको रख लें। कब मोबाइल जवाब दे इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, और लिखा हुआ रहेगा तो नंबर कहीं से भी आप एयरपोर्ट पे आके किसी से कह के लगवा लें, मिस कॉल मार देगा, कोई भी आदमी मिलेगा एयरपोर्ट पे, या तो पुलिस वाला ही क्यों ना मिले सऊदी अरब का एयरपोर्ट पे, उससे भी बोलेंगे कि ये नंबर थोड़ा लगा दे भैया, तो वो भी लगा देगा, नहीं तो फिर उससे बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो फिर वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी, नेपाली यानी बंगाली सब कोई मिल जाता है, बांग्लादेश का भी आदमी मिल जाता, उससे थोड़ा बोलोगे भाई थोड़ा ये नंबर मिस कॉल मार दो, हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का सिम यहाँ नहीं चलेगा, और एयरपोर्ट पे हर एयरपोर्ट पे वाईफाई रहता है, कनेक्ट हो जाएगा अगर मोबाइल सही है तो। और दूसरा काम यह करें कि ईमो डाउनलोड करें, ईमो पे जिस भाई का नंबर, अपना जिस पहचान वाले का नंबर रहे तो ईमो पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज बोल सकते हैं, कॉल नहीं जाएगा, सऊदी अरब में व्हाट्सएप पे कॉल नहीं हो पाता है, और ईमो से कॉल हो जाएगा, तो ऐसे करें भैया।
लेकिन जरूरी यही है कि भैया उसको एक कापी पे लिख के रखे रहें, एक कागज पे, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उससे आदमी काम चला सकता है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आप लोग ये भी सोचेंगे कि कैसे मालूम पड़ेगा हमारा कपिल कौन है, और तो ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। कोई को भी अपना दिखाओगे पासपोर्ट, वो बता देगा ऐसे, वहाँ पे अपना नंबर लेके रहें और जो बुलाता है उसका भी नंबर, अपने घर का पर्सनल नंबर, और दो तीन नंबर ऐसे हैं कपिल का भी नंबर ले सकते हैं। नया आने पे भैया ना बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि भाषा नहीं मालूम चल पाता है, इसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों अगर आए तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और कोई ज़्यादा मुसीबत भी नहीं होगा और आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी सऊदी अरब में आने के बाद भैया थोड़ा दिन परेशानी होता है, सबको होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही होगा, सबको होता है, हम लोग को भी हुआ है। आने के बाद एयरपोर्ट पे थोड़ा घबराहट सी महसूस होने लगता है, लेकिन कोई ऐसा दिक्कत होता नहीं है जो कि आदमी न समझ पाए। तो दोस्तों यही सब है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि दिक्कत से ही पैसा आता है, ऐसे पैसा नहीं आता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दोस्तों दबा लें, और हम भी बकरी वकरी चलें खोजे भैया। जब तक के लिए इजाज़त दें, जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों।